অবিলম্বে দার্জিলিংয়ে কৃষক চা বাগান খুলতে হবে এবং দাবি তুলে ধর্ণা ও পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় চা বাগানের শ্রমিকরা। চা বাগান শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও পথ অবরোধে জেরে কৃষক এলাকায় আটকে পড়ল প্রচুর পর্যটকদের গাড়ি। জানা গেছে শনিবার সকাল 11টা থেকে স্থানীয় চা বাগানের শ্রমিকরা অবিলম্বে চা বাগানের ভেতরে থাকা বেআইনি দখল উচ্ছেদ করে চা বাগান খোলার দাবি জানিয়ে ধর্ণা কর্মসূচি পালন করে। শ্রমিকদের ধর্ণা চলাকালীন চা বাগানের শ্রমিকরা অবিলম্বে বাগান খোলার দাবিতে দার্জিলিংগামী রাস্তায় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। देखिए, सबसे पहले तो समझौता नहीं हुआ है, ये गलत है। तो हम लोगों ने जो अभी स्ट्राइक जैसा हम लोगों ने किया था, वो हम लोग सड़क में उतर गए। वो इसलिए किया था कि एग्रीमेंट हुआ था बाइपार्टाइट मीटिंग में, टी गार्डन रनिंग होगा जनवरी दिसंबर 22 तारीख को बोल के। तो जनवरी 22 तारीख को उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, और एक रिचुअल प्रॉब्लम होता है, एक उनका पंडित जी ने दिन नहीं निकाला होगा, इसलिए वो कैंसिल होके पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होके जनवरी 22 को खुलने वाला था, लेकिन बीच में क्या हो गया, आज के दिन में एक लेटर आउट हुआ जिसमें लिखा था ऑनर ने जो टी गार्डन रन करने के लिए आ रहे थे, उसने लिखा था कि हम टी गार्डन नहीं ले सकते, और इसमें एक पॉइंट लगाया हुआ है इंक्रोचमेंट का। हम लोग मानते हैं इंक्रोचमेंट हुआ है, लेकिन हम उस विरोध में नहीं है। देखिए, इंक्रोचमेंट के विरोध में हम कदापि भी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते कि जो एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी कार्रवाई करना है उनको करना चाहिए, टी गार्डन लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक चलना चाहिए। अभी क्या होगा, अभी जो हुआ, अभी जो बात हुआ, जो वीडियो साहब आए, थाना से बात हुआ, पुलिस प्रशासन से बात हुआ, तो उसमें हम लोगों ने एक अपॉइंटमेंट लिया अभी DLC साहब के साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं DLC साहब के पास, हम लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव लेके जाएंगे, तो वहाँ क्या कंक्लूजन होगा, क्या निचोड़ निकलेगा वहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग डिसीजन करेंगे कि कल हम लोगों को क्या करना है, या इसी तरह से हम लोगों को चक्का जाम करना है, या हम लोगों को DM DLC कहीं भी जाना होगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार है।